अगर आपको प्रधानमंत्री से कोई भी कंप्लेन कोई भी शिकायत करनी है तो आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दुनिया के किसी भी कोने से आप प्रधानमंत्री को ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही आसानी से कोई भी कंप्लेन कर सकते हो। उस सिचुएशन में ये बहुत काम आती है जब आपको पुलिस ने काफ़ी परेशान कर रखा हो या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट ने आपको काफ़ी परेशान कर रखा हो या कोई ऐसा घोटाला हो रहा हो जिसकी आपको जानकारी हो और आपको प्रधानमंत्री को कोई भी कंप्लेन और कोई भी संदेश आप भेजना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आप ऑनलाइन बहुत ही आसानी से आप प्रधानमंत्री को मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से आप कंप्लेन और कोई भी संदेश भेज सकते हो। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री को अपने लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से कोई भी कंप्लेन कोई भी संदेश आप भेज सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में टाइपिंग कर देना है pmindia.gov.in/en/ जाना है। तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से जाके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हो। सबसे पहले आपको यहां लैंग्वेज चूज करना होता है, यहां से देख रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, मणिपुरी, इसके बाद हो गया ओडिया, मराठी, पंजाबी, तमिल। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप इससे अपना कंप्लेन करना चाहते हैं वो आपको लैंग्वेज यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपको इसमें हिंदी से एक्सेस करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें हिंदी सेलेक्ट कर लेना। जैसे हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ये पूरी वेबसाइट है वो हिंदी में आप सेलेक्ट हो जाती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पूरी की पूरी ये हिंदी में हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि अपने विचार सुझाव, अगर कोई आप विचार सुझाव देना चाहते हैं सिंपली आप इस पर क्लिक करके अपना विचार और सुझाव दे सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कोई भी कंप्लेन वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ है प्रधानमंत्री को लिखे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और आपके सामने एक फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लिखे। तो यहाँ पर अपना जो है पूरा नाम, वो आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना जो जेंडर है चूज कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री चूज कर लेना है, इंडिया के अलावा अगर आप किसी भी देश से हैं तो तब भी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना पूरा पता आपको यहाँ पे डाल देना है, इसके बाद जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आप जाके स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट है, उसे वो स्टेट आपको यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको सामने कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होकर आएगा और ये इसमें आपका जो ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको 91 आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें आप सिंपली आप मोबाइल नंबर डालने से पहले आप 91 लगा ही देंगे। तो इस तरीके से पहले आपको 91 डालना है, इसके बाद पूरा आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो आपको इसमें सिंपली डाल देना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको क्यों डालना है कि जैसे आपको ये फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो आपके नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ जाएगा, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको इसमें मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो आपको सिंपली जो आप मोबाइल नंबर डालेगा, जो भी मोबाइल नंबर डालेगा उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर डालोगे जो आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना शिकायत कैटेगरी चूज करना है कि आप शिकायत किस बारे में करना चाहते हैं, जैसे यहाँ लोक शिकायत, सुझाव, प्रक्रिया, वित्तीय धोखाधड़ी, घोटाला, अभिवादन, शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री के साथ नियाजित भेंट या संदेश अनुरोध, जो भी आप शिकायत करना चाहते हैं सिंपली आपको इसमें से इस तरीके से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4000 अक्षर में आपको यहाँ पर शिकायत दर्ज करनी होगी। शिकायत दर्ज करने से पहले आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ स्पेशल करेक्टर दिया हुआ है, तो ये स्पेशल करेक्टर को आपको इस शिकायत जो भी टिप्पणी कीजिएगा इसमें टाइपिंग कीजिएगा तो वो जो स्पेशल करेक्टर है आपको इसमें नहीं लिखना है। तो ये स्पेशल करेक्टर है वो आपको इसमें आपको टाइपिंग नहीं करना है, इसे टाइपिंग कीजिएगा तो ये सबमिट नहीं होगी और आपको जो
फॉर्म जो है वो एरर करके कुछ आ जाएगा, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रहे कि जो भी स्पेशल करेक्टर है आपको इसमें टाइपिंग नहीं करना है। इसको यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है जो आप पीडीएफ में अपलोड करना चाहते हैं, तो जो आपका जो भी पीडीएफ फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको पीडीएफ में करके इस पर यहाँ पे क्लिक करके तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं चूज फाइल, जहाँ भी आपका फाइल है वो यहाँ से आपको चूज करके सिंपली आप इसमें जमा करके ओके कर देना है। इसके बाद जैसे चूज के फाइल करके लाइएगा तो यहाँ पे अटैच कर देगा। अटैच करने के बाद यहाँ पर जमा करने पर क्लिक करके इसमें आप जमा कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको रद्द कर देता हूँ। इसको आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा यहाँ पे आपको डाल के यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तो ये जो आपका एप्लीकेशन है, जो भी आपका जो शिकायत है, वो प्रधानमंत्री को सबमिट हो जाएगा और आपके जो ईमेल आए, जो मोबाइल है नंबर है, उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। तो आप जब चाहे जब अपने कंप्लेन का, अपने शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको ब्राउजर में टाइपिंग करना होगा। इसके बाद अपने ब्राउजर में आपको टाइपिंग कर देना है ग्रीवेंस रिडरेस मर्चेंटिज्म इन गवर्नमेंट। तो आपको शॉर्ट में भी आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ GRMG जैसे आप डालिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि CPGRAMS होम, यहाँ देख रहे हैं कि व्यू स्टेटस, आपको इस वाले पे ओके कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ जो आपको मोबाइल नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन ID मिला होगा वो आपको यहाँ पर डालना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर दिए थे वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर डाल के सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये इसका वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जो भी शिकायत आप प्रधानमंत्री की किए रहिएगा वो आप बहुत ही आसानी से इस पेज पे यहाँ पे आके आप स्टेटस ऑफ उसका आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पे आप सबमिट कीजिए। स्टेटस होगा वो आपके इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। स्टेटस जो है बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि आप जो प्रधानमंत्री को जो भी शिकायत किए थे उसका स्टेटस क्या है। तो गाइस आपने जाना इस वीडियो में कि आप प्रधानमंत्री को कोई भी जो शिकायत है या कोई भी कंप्लेन है कैसे कर सकते हैं। एक बार कंप्लेन आने के बाद मैक्सिमम 3 महीने का टाइम लगता है उसका सलूशन आने में। अगर आपने कंप्लेन कर दिया है तो आपको सब्र रखना है अपना सलूशन पाने के लिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।